वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। सो यू नो गाइज के मुझे स्विस ब्यूटी की ब्रांड बहुत पसंद है एंड मैक्सिमम मैं सारी प्रोडक्ट ही उनकी ट्राई आउट करती हूँ। सो मैंने सोचा कि जब ये सारी प्रोडक्ट मेरे पास है तो क्यों ना मैं उसे एक ही गॉर्जियस सा मेकअप लुक क्रिएट करूँ। आई थिंक आपको पसंद आए शायद मेरा लुक। सो अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा एंड इसमें से जो अच्छी प्रोडक्ट मतलब बेस्ट प्रोडक्ट्स है फॉर मी जो बहुत अच्छा वर्क करता है वो मैं आपको शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग अ स्टूडियो फिनिश प्राइमर। इट्स अ मेट एंड पॉलिश प्राइमर बट फ्रेंड्स ये आपको फेस पे अच्छा खासा मॉइस्चर भी देता है। वेरी लाइट वेट है, पोर्स को ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा ब्लर आउट करता है। सो इट्स अ रियली नाइस प्राइमर। दूसरी प्रोडक्ट में यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ऑन द मूव कंसीलर पैलेट यूज़ करूँगी जिसमें मैं ऑरेंज करेक्टर एज अ अंडर आइज पे यूज़ करूँगी फॉर माई करेक्शन बिकॉज अंडर आइज में मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन फेस पे है तो उस जगह पे मैं इसे यूज़ करूँगी। प्रोडक्ट इज़ नॉट वेरी गुड बट इट्स ओके ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट में यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ उसके बगैर ये मेकअप लुक हो नहीं सकता। इट्स अ स्विस ब्यूटी स्टूडियो फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन। इट्स अ न्यूली लॉन्च फाउंडेशन एंड इट्स अ वर्क वेरी वेल। मीडियम टू हाई कवरेज देता है। ये फेस पे अच्छा खासा कवरेज आपकी सारी अनइवन स्किन टोन को इवन टोन काफ़ी अच्छे से करता है। सो इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग फॉर कॉन्टोरिंग में ये स्विस ब्यूटी का फुल कवरेज कंसीलर जो हाल ही में लॉन्च हुआ है उसमें से मैं डार्क शेड यूज़ करूँगी एज अ कॉन्टोरिंग के लिए। अगर आपके फेस काफ़ी चबी है मेरे जैसे ही या बड़े बड़े गाल से आपको फेस पे अच्छा खासा शेप एंड कटआउट करने हैं सो ये कॉन्टोरिंग अच्छा है। इसका ये ब्लेंड अच्छे से हो जाता है, काफ़ी वार्म टोन पे है। सो एज अ कॉन्टोरिंग दिस प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये वाली चीज़ है, इसके कंसीलर लाइट शेड्स अच्छे से नहीं वर्क करते हैं बट डेफिनेटली ये वाला जो डार्क शेड्स है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ दिखता है। सो मैं मेरे कॉन्टोरिंग के लिए मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट हाइलाइटिंग के लिए मैं यही कंसीलर का यूज़ करूँगी। इसी कलेक्शन का मैं लाइट शेड को अपने अंडर आइज के नीचे टी जोन पे जो फीचर्स मुझे इन्हेंस करना है इट मींस हाईलाइट करना है उस जगह पे अप्लाई करूँगी। फॉर्मूला की बात करूँ तो गाइस ये कंसीलर इतना कुछ खास नहीं है, शेयर कवरेज देता है, एप्लीकेशन भी इतना अच्छा नहीं है, अंडर आइज के नीचे पैचिनेस सा हो जाता है। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये कंसीलर उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। ये मैं आपको नेवर रिकमेंड करूँगी कि इसमें अपना पैसा वेस्ट मत करिएगा। सो आफ्टर ब्लेंडिंग के बाद मेरा फेस कुछ इस तरह आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा बेस बन गया है, काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस लग रहा है। अभी इन्हीं कंसीलर को मतलब क्रीम प्रोडक्ट को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा रिसेंटली फेवरेट ये स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर। इट्स अ बनाना लूज पाउडर गाइस, इट्स अ रियली नाइस। इसका पाउडर का जो स्मूथनेस है ना गाइस आफ्टर अप्लाई आपके फेस पे ज़रा भी हैवी नहीं लगेगा। ये फेस पे इतने अच्छे से ग्लाइड हो जाता है इतना कि लगता ही नहीं आपने कुछ चीज़ों से शेड किया एंड अपने फाउंडेशन को इतने अच्छे से और लगता है कि आपके फेस पे नेचुरल सा लगता है, ज़रा भी हैवी नहीं लगता है। सो ये लूज पाउडर तो गाइस बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी कलर शेड्स आते हैं बट मेरे पास ये बनाना है। बनाना लगाने से भी आपके थोड़ा फेस पे अच्छा खासा ब्राइटनिंग इफेक्ट लगता है और मुझे ये लूज पाउडर बहुत अच्छा लगा रहा है। इसका पफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग फॉर ये स्विस ब्यूटी का न्यूली लॉन्च ब्लशर। वैसे मेरे पास ये डार्क शेड है तो इस डार्क शेड को एज अ मैं ब्रॉन्ज की तरह यूज़ करूँगी। सो मैंने पहले जब कॉन्टोर किया था ये सब ब्लेंड करने के बाद वो काफ़ी लाइट हो गया था तो इसे वापस इन्हेंस करने के लिए मैं ये ब्रॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। फॉर्मूला वाइज इट्स अ रियली नाइस गुड ब्लशर, इसे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आफ्टर ब्लेंडिंग के बाद ये इनका जो पाउडर प्रोडक्ट ब्लशर है ये काफ़ी अच्छा है, ये कलर भी काफ़ी अच्छा है समर्स के लिए, आप काफ़ी मतलब फ्रेश लुक देता है। सो ब्लशर में काफ़ी कलर्स वेरिएंट है, मेरे पास यहाँ पर है जो काफ़ी अच्छा सा कोरल पीची काइंड ऑफ ऑरेंज कलर दे रहा है जो फेस पे अच्छा खासा फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। फॉर्मूला इज़ रियली नाइस गुड अगेन, इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, फेस पे काफ़ी अच्छे से इजीली ग्लाइड हो जाता है, नेचुरल फिनिश देता है ना अच्छे से।
ब्लेंड भी हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत पाउडर ही है हैंड पे या ब्रश पे, आपको थोड़ा सा पाउडर क्लिक पे करेगा, बट लगाने से पहले गाइज इसको थोड़ा सा डस्ट आउट कर लीजिएगा, बिकॉज अब ये काफ़ी पिगमेंटेड है, लगाने से काफ़ी फेस पे लग सकता है। सो इसे थोड़ा थोड़ा करके बिल्डबल करेगा ना, यू नो गाइज हम ब्लशर लगाने का टाइम हमें सब्र नहीं होता, हम थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी ब्लशर अप्लाई कर ही लेते हैं फेस पे। सो कीप ऑन माइंड हमें थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है, एंड ब्लशर इज़ रियली गुड प्रोडक्ट। नाउ ब्रावो को फिल करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ये ब्रावो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये कलर काफ़ी अच्छा है, फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है, इवन मेरे आईब्रो के साथ काफ़ी अच्छा कलर मैच करता है। ये अच्छी अच्छी स्पूली के साथ में आता है एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑल्सो। सो अगर आपको ब्राउ में अच्छा खासा सस्ती प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो स्विस ब्यूटी ये प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। यू नो गाइज मुझे ब्राउ को ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं बहुत ही थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ। नाउ आइज मेकअप के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट मेरे पास नहीं है, बट यू नो गाइज स्विस ब्यूटी की पैलेट्स काफ़ी अच्छी होती है आई शेडोज की। मेरे पास ये जो लिप चिक टिंट वाला जो प्रोडक्ट था उसको एज ए मैं आईज बेस पे लगा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा न्यूड वार्म टोन मिल जा रहा है मुझे एंड अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, कोई ब्रश की नीड भी नहीं है। अच्छा खासा 1 मिनट के अंदर तो आपके आई बेस कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा स्मोकी लुक करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ये काजल यूज़ किया, काजल इज़ रियली नाइस। अगर 1 मिनट के अंदर आप इसे लगा के ब्लेंड करते हो तो अच्छा खासा ब्लेंड हो जाता है, वेरी नाइस लुक देता है, बट आफ्टर 1 मिनट के बाद इसे ब्लेंड करोगे तो ये नहीं होगा, ये टोटली वाटर प्रूफ हो जाएगा। सो प्राइस के अकॉर्डिंग एंड काजल इनकी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छा सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, आई में आई शेड आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा सिंपल सा है, आप इसे इजीली एवरीडे भी कर सकते हो, या समर्स में हमें ज़्यादा हैवी आईज मेकअप नहीं पसंद होता तो ये सिंपल सा मेकअप आप कभी भी कर सकते हो। बहुत ही 2 स्टेप है, एक बेस लगाना है एंड थोड़ा सा काजल लगा के कर देना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग द इनका पिगमेंट ग्लिटर। गाइज इसे अगर फिंगर पे लेके आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना तो ये काफ़ी पैची हो जाएगा, इसको लगा के आपको थोड़ा ब्लेंड करना है। देखो जैसे कि मैंने लगाया ब्रश पे तो ये एक जगह पे स्टिक हो जाता है, बट इसको ब्रश के आप जैसे जैसे ब्लेंड करोगे ना तो आफ्टर ब्लेंड के बाद ये आइस पे इतना अच्छा स्पार्कल देगा ना, तो देखने जाए तो पिगमेंट अच्छा है, बहुत ज़्यादा वाव वाला नहीं है। इस पे जब फ्लैश लाइट या एनी कोई लाइट्स का रिफ्लेक्ट होगा तभी ये आपको थोड़ा सा आइस पे चंकी इसके पार्टिकल्स दिखेंगे, अदरवाइज इट्स अ लिटिल बिट सेटल साइड ऑफ। एंड इनकी बेस्ट बात कहूँ तो इनका जो ये मूविंग ऑन आई एम यूजिंग द लास्ट प्रोडक्ट ऑन आईज इट्स आई लेसिस। इनकी आई लेसिस काफ़ी अच्छी होती है एंड वेरी नेचुरल दिखती है, तो इन्होंने हाल ही में इनका ग्लू भी लॉन्च किया है। जब आई लेसिस लॉन्च किया ही है तो ग्लू क्यों ना करे, देन उन्होंने ये ग्लू लॉन्च करके एंड मैंने इसे जब यूज़ किया है तो ग्लू भी इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्टिकी है, ड्राई होने में टाइम नहीं लगता है, बस लगा लिया आई लेसिस के ऊपर तो विद इन 20 या 25 सेकेंड में अच्छा खासा ये सेटल हो जाता है एंड इन इसे आइस पे लगा लेना है। नहीं गाइस सच कहूँ तो आई लेसिस लगाना इसे वेरी बिग डील, बट ठीक है लगा लिया। एंड नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ये लुक को कंप्लीट करने के लिए हमारा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट इज़ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने ये क्रेयन यूज़ किया है ना, आपको मैंने बताया है कि स्विस ब्यूटी की सारी ही लिपस्टिक बहुत अच्छी आती है, इवन ये क्रेयन भी काफ़ी अच्छी है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट हाइलाइटर के लिए। गाइस मेरा थोड़ा सा ये ब्रोक हो गया है, ब्रोक क्या मतलब टूट ही गया है पूरी तरह से, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मतलब वैसी आती है, थोड़ी सी भी होने से टूट सकती है। सो कोई बात नहीं, फिर भी हम इससे काम चला सकते हैं। इनके हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छे आते हैं, अफोर्डेबल है, काफ़ी कलर शेड्स हैं। मुझे पर्सनली ये वाला शेड बहुत पसंद आता है, फेस पे काफ़ी गोल्डन सा येलो इज गोल्डन काफ़ी ग्लोइंग इफेक्ट देता है, इसे आप नेचुरल फेस पे भी लगाओगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपके फेस पे। सो एज अ हाइलाइटर ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ऑन द प्राइस इट्स रियली गुड। सो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छे हैं। एंड नेक्स्ट इन द लास्ट प्रोडक्ट इज़ ये इनका स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। गाइस ये मेकअप फिक्सर बहुत ही अच्छा है, मतलब मैंने इसे बहुत पहले भी यूज़ किया है ना, इसे न्यूली मैंने वापस परचेस किया है। सो ये काफ़ी अच्छा है। आई होप आपने सारी वीडियो देखा एंड आपको पता चला है कि मैंने किस प्रोडक्ट को किस किस तरह से यूज़ किया है। सो अब बात करूँ कि इस प्रोडक्ट में से मतलब स्विस ब्यूटी की सारी ही ब्यूटी प्रोडक्ट में से मुझे कौन सा बहुत पर्सनली मतलब बहुत पसंद आया है कि जिसके बिना मैं मेकअप मेरा अधूरा रहेगा, तो मैं वो बताना चाहूँगी। प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट फॉर मी
इट्स अ ब्यूटी ब्लेंडर गाइस। ये ब्यूटी ब्लेंडर ना पूरा मेकअप का गेम चेंज ही कर देता है। वो कैसे, मतलब मैंने अभी तक ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किए हैं स्विस ब्यूटी के मेरे फेस पे, तब मतलब उसकी जो इतनी फिनिशिंग नहीं मिली है जब से मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना मतलब यूज़ किया है। ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के बाद गाइस मुझे इतना अच्छा फेस पे फ्लॉलेस फिनिश मिला है ना कि लाइक ये भी चीज़ हो सकता है कि प्रोडक्ट के अलावा आप जो टूल्स यूज़ करते हो ना वो अगर बेस्ट हो ना तो आपका मेकअप भी बहुत ही अच्छा निकल के आता है। सो ये ब्यूटी ब्लेंडर मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ, जो बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, आपके फाउंडेशन को बहुत अच्छा, इवन कुछ भी प्रोडक्ट आप इसे ब्लेंड करो बहुत अच्छा नेचुरली फ्लॉलेस ब्लेंड होगा। सो ये चीज़ मेरा दी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। गाइस द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज मेकअप फिक्सर। ये मेकअप फिक्सर गाइस बहुत अच्छा वर्क करता है, ना ही स्टिकीनेस ना ही ड्यूइनेस, ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इवन इसकी फ्रेगरेंस है ना इतनी फ्रेश वाली है कि आपको इसको स्प्रे करने के बाद बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस फील होती है। सो ये मेकअप फिक्सर आप डेफिनेटली ट्राई आउट करना ज़रूरी है। इस गाइस के जिसके बिना ये मेकअप लुक हो ही नहीं सकता वो ये है इनका स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन। आई डोंट नो गाइस बट मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद आता है, लाइक इसकी फिनिश एंड ब्लेंडिबिलिटी और फेस पे जो ड्राई आउट नहीं करता ना, ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही हाईली रिकमेंड करती हूँ। एंड कवरेज वाइज तो इस गाइस मीडियम टू हाई कवरेज देता है एंड आई लव इट के ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है। गाइस फोर्थ प्रोडक्ट इज द न्यूली आई यूज दिस बनाना लूज पाउडर। गाइस मुझे पता नहीं था कि ये बनाना लूज पाउडर इतना अच्छा वर्क करता, इवन लूज पाउडर इतने अच्छे वर्क करते मुझे अभी तक नहीं पता था। मतलब मैं मेरे बेस को हमेशा कॉम्पैक्ट से सेट करती थी ना, तो लिटिल बिट वो ड्राई साइड होके एंड थोड़ा सा पैचीनेस हो जाता था, कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ करूँ मुझे वो फील होता था। एंड गाइस जब से मैंने इसे ये बनाना पाउडर स्वीट ब्यूटी का जो यूज़ किया है ना गाइज, आई कांट टेल यू कि इतना अच्छा जो ये फिनिश देता है ना ये फेस पे, इतना अच्छा स्मूथ फिनिश और इतना अच्छा बेस को फ्लॉलेस बनाता है ना, आप इसे ट्राई आउट करने के बाद ही समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। बट डेफिनेटली इसे एक बार आप ट्राई आउट करिए। टॉप फाइव में आता है लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक है सारी यहाँ पर स्वीट ब्यूटी की, कोई भी लिपस्टिक ले लो वो सारी ही अच्छी वर्क करती है उनकी। ये बुलेट लिपस्टिक हो, क्रेयॉन हो, ये नॉन ट्रांसफर वाली हो, या इनकी लिक्विड लिपस्टिक हो, इनकी कोई भी लिपस्टिक बहुत अच्छा वर्क करता है। अब इसमें से बेस्ट कौन सा है वो मैं आपको नहीं बोल सकती क्योंकि सारी की सारी ही लिपस्टिक बहुत अच्छा वर्क करती है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। अगर देखा जाए तो डेली बेसिस में ये लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ, अब इसका देख सकते हो मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया है, लाइक इतनी बची है। सो ये लिपस्टिक डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा होता है एकदम। ये आपको एकदम नॉन ट्रांसफर चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो ये स्विस ब्यूटी की नॉन ट्रांसफर वाली लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा पार्टी वेयर शाइनी चाहिए तो इनकी मेटालिक लिपस्टिक, एंड ये क्रेयॉन मैंने हाल ही में यूज़ किया है एंड अल्सो मुझे ये भी बहुत पसंद आया है, जिसको एकदम ट्रांसफर लाइक सी एकदम ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक चाहिए ना, और लिप्स को ड्राई आउट भी नहीं करना है, तो क्रेयॉन साइड में जिसको पसंद आता है वो यूज़ कर सकते हैं। सो लिपस्टिक तो मैं सारी ही रिकमेंड करूँगी। प्रोडक्ट गाइस इनकी लेसिस काफ़ी अच्छी है, मेरे पास इनके चार वेरियंट हैं एंड मुझे इनकी लेसिस बहुत पसंद आई है। मतलब काफ़ी अच्छी नेचुरल फिनिश है एंड काफ़ी अच्छी लगती है आपकी आईज़ पे, सो लेसिस को ट्राई आउट करना मत भूलना। सेकेंड प्रोडक्ट इस गाइस की ब्लशर को हम बोल नहीं सकते, तो इनकी ये जो दोनों ब्लशर है लाइक ये पाउडर वाला हो गया या इनके क्रीम फॉर्म वाला हो गया, दोनों ही अपना अच्छा वर्क करते हैं। जिसको पाउडर पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, जिनको 3-in-1 तरह से यूज़ करना हो लाइक आईज पे, लिप्स पे एंड चिक पे, सो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आप शेड इसका दूसरा, मतलब मैंने ही तो डार्क शेड यूज़ किया मतलब सिलेक्ट किया था, सो मेरे को उस तरह यूज़ नहीं हुआ ब्लशर की तरह से, बट मैंने उसके दूसरी तरह से यूज़ किया है। सो इसमें आप दूसरे शेड ट्राई आउट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मैंने हाल ही में यूज़ किया है लाइक इनका ये जो आईलेसिस प्रो ये ग्लू है वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी अच्छे से स्टिक कर देता है, ड्राई आउट होने में टाइम नहीं लगता। जैसे कि आपने लेसिस पे अप्लाई किया एंड विद इन 15 या 20 सेकेंड में अच्छा खासा स्टिक ऑन वाला हो जाता है कि आपके आईज पे स्टिक हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है। सो ये वाला ग्लू काफ़ी अच्छा है। एंड इनके काजल की मैं बात करूँ तो इनकी कोई भी वेरियंट की काजल, मतलब जिस कोई भी काजल हो ना तो वो काफ़ी अच्छी होती है, लाइक एक बार जब ये सेट हो जाता है ना 1 मिनट के अंदर गाइस, तो ये एकदम स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ वाला हो जाता है। ये हो या उनका पेंसिल हो या शार्पन वाला हो, कोई भी हो, स्विस ब्यूटी की काजल भी बाकी सब चीज़ों की तरह काफ़ी अच्छा वर्क करती है। सो काजल भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, प्राइस वाइज सारी ही चीज़ें अफोर्डेबल है। सो गाइस आपको मेरी ये 10 प्रोडक्ट मैंने जो रिकमेंड करी है, ये जो स्विस ब्यूटी की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स है, इसको आप मस्ट ट्राई कर सकते हो।
गाइस दैट्स इट टुडे इज अबाउट वीडियो। आई होप आपको ये मेरी रिकमेंडेशन अच्छी लगी होगी। सो जाते जाते एक चीज़ करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।